जी न्यूज़ पर दोस्तों नमस्कार दोस्तों, और गणेश शोभा यात्रा को लेकर आज माननीय एडीएम साहब प्रशासनिक अधिकारियों की मीटिंग ले रहे हैं। निरंतर चलेगी शोभा यात्रा, ठीक है ना। हो सकता है, अब एक बात और है, जब शोभा यात्रा चलेगी तो सकड़ी जगह भी है जिसमें आदमी तो ज्यादा है और जगह छोटी है, उस जगह पर कई बार स्टैम्पीड होने का खतरा रहता है कि साहब कोई इशू हो गया, भगदड़ मच गई। तो ऐसे स्थिति में अगर कोई सकड़ी जगह है ना, तो शोभा यात्रा को वहां से जल्दी निकाले, ठीक है। अगर कोई सपोज करो स्पेस खूब है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैंने का जो मौका देखा है उसमें देखा है कि बहुत ज्यादा सकड़ी जगह भी है उसमें, और बाकी की सारी व्यवस्था हमने कर ली, छज्जों को हटाने की, अतिक्रमण हटाने की। कल परसों के दिन हमने मीटिंग ली थी सारे प्रशासनिक अधिकारियों को, सबको जिम्मेदारी सौंपी है, एम्बुलेंस वगैरह भी होगी, दमकल भी होगी, डेढ़ हजार का जाप्ता भी होगा, महिला कॉन्स्टेबल भी होगी, और प्रशासन पुलिस और प्रशासन का चप्पे चप्पे पर निगरानी रहेगी। हमने 10 से ऊपर तो वीडियोग्राफर लगाए हैं, सारे ऑफिसर्स भी लगाए हैं, ड्रोन से भी निगरानी रहेगी। इसके अलावा हर तरह से मोबाइल से भी हम उसको करेंगे। तो जो अगर कोई नियमों का उल्लंघन करेगा तो वो बचेगा नहीं, इसमें सीधी सी बात ये है। तो दो बातें हैं, एक तो सरकार ने जो कानून बना रखा है उसकी पूरी पालना, और जो एसडीओ साहब ने जो अनुमति जारी करेंगे उसकी अक्षर पालना हो जाएगी। अगर पालना हो जाएगी तो निश्चित रूप से हमारी शोभा यात्रा जो अच्छी हो जाएगी, प्रसन्नतापूर्वक हर्षोल्लासपूर्वक मनाई जाएगी। अब इसमें दूसरी बात क्या है, कई सारे मकान है, मकानों पे भीड़ इकट्ठी हो जाती है, तो मैं तो लोगों को बता दे कि साहब भीड़ को इकट्ठी नहीं होने दे। कई मकान 200 साल पुराने हैं, अगर उसमें 10 आदमी की सहन करने की शक्ति है बिल्डिंग की, अगर 50 आदमी चढ़ गए तो छत नीचे आ जाएगी, ठीक है। तो मैं तो थानेदार को बता रहा हूँ, नगर परिषद से सूची लेकर जिनके मकान और पुलिस में पाबंद करो कि आप है जो यहाँ पर इन पे आदमी जर्जर बिल्डिंग है, इस पर कोई छट नहीं सकता है, उनको पाबंद करो ताकि उनके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे बाद में। नगर परिषद को हमने पाबंद कर दिया है, जाप्ता भी रहेगा कि ऐसी बिल्डिंगे हैं उन पे ज्यादा नहीं चले। बाकी तो जहाँ जहाँ से जुलूस जाएगा शोभा यात्रा जाएगी, वहां पर है जो भीड़ बढ़ाकर ज्यादा हो जाता है कुछ मकानों पर गेट नहीं, हर बिल्डिंग की कैपेसिटी होती है, कैपेसिटी होती है 10 आदमी चढ़ सकते हैं, उसमें 20 आदमी चढ़ सकते हैं, अगर 25 आदमी चढ़ गए, 50 आदमी चढ़ गए तो निश्चित रूप से हो सकता है बिल्डिंग कम आए, पता कितने साल पुरानी बनी हुई है। दूसरी बात, कोई भी इशू है आपस में तो उसको है जो आप खुद नहीं निकले, पुलिस प्रशासन को बताएं कि सर ये है जो ये मामला है, तो पुलिस उसको निकलेगी। हमारे एम्बुलेंस वगैरह भी होगी, दमकल वगैरह भी होगी, और तो दूसरी बात हट डाउ भी हम उस दिन लेंगे। निगरानी रखेंगे तो एक एक चप्पे
निगरानी रखेगी। अब इसमें आप लोगों को ध्यान ये रखना है कि कोई बाहर का आदमी आकर अगर कोई बदमाशी कर जाए, कोई बाहर का आदमी है, हमको बता दें आप, है ना। हम गणेश जी महाराज की यात्रा है, गणेश जी की खूब नारे लगाए, गणेश जी के ठीक है मंत्र बोले, भजन गाए, लेकिन इससे इतर कोई गलत बात किसी धर्म के खिलाफ, किसी जाति के खिलाफ, किसी राष्ट्र के खिलाफ आप भी उस पर नहीं बोले, वो बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो ये हमको हमें इसमें सब लोग ध्यान रखें। दूसरी बात, जगह जगह इसमें स्वागत भी किया जाएगा। अब स्वागत के लिए स्वागत हो ठीक है, लेकिन शोभा यात्रा ज्यादा देर रुके नहीं। अगर शोभा यात्रा स्वागत करना है तुरंत करो और तुरंत आपको चलो। हम ये चाहते हैं कि जो टाइमिंग्स है उसकी पालना करें। अगर आप उसको बीच बीच में अधिक समय तक रोकोगे तो टाइमिंग्स की पालना नहीं होगी। उसमें आप अगर वो स्वागत भी कर रहा है तो उसको संक्षिप्त रूप से स्वागत करके आगे आ जाए। तीसरी बात क्या है, कई जगह शायद कुछ प्रसाद वगैरह भी वितरण होगा, कोल्ड ड्रिंक्स या पेय पदार्थ भी वितरण होगा, हो सकता है लड्डू भी हो और भी जो भी चीज़ें हैं, तो उसकी गुणवत्ता का ध्यान रखें ठीक है ना। ऐसा नहीं है उसको कोई खा पी कर कोई परेशान हो जाए, कोई दुखी हो जाए ठीक है ना, वो आपको ध्यान रखना है। छोटी से छोटी चीज़ का ध्यान रखेंगे अपन तो निश्चित रूप से जो ये हम हर्षोल्लास के साथ मना पाएंगे और सभी लोग इस पे सहयोग करेंगे। अब तक का रिकॉर्ड अपने गंगा पुष्टि का यही रहा है, मेरे को और अधिक कुछ कहना नहीं है। सारी व्यवस्था हमने कर ली है, अधिकरण वगैरह का भी है और बैरिकेडिंग वगैरह भी हो जाएगी, साफ सफाई वगैरह का सारा हम काम कर लेंगे। आपको जो टाइमिंग्स का ध्यान रखना है, मेरा तो एक ही बात कहना है कि सरकार के नियमों का कानून का पूरी पालना करनी है। अनुमति में जो टर्म्स और कंडीशंस दी जाएगी उसकी पालना करनी है, टाइमिंग्स की पालना करनी है और जो मैंने बताया नदी की तरह शोभा यात्रा चलती रहे, एक जगह रुके नहीं। होता क्या है, जैसे शोभा यात्रा चली और चल के और कुछ कोई जगह आके रुक गई और वहाँ धूम धड़ाका जोरदार कर रहे हैं, तो मेरा कहना है कि रेगुलर स्पीड से चले, एक जगह रुके नहीं। और मैंने दूसरी बात बताई है, छोटी जगह कुछ तो जहाँ बिल्कुल ही शोभा यात्रा लायक जगह नहीं है तो वहाँ पर है ना, जो अगर भीड़ इकट्ठी हो जाएगी, कुछ भगदड़ मच गई ना, तो स्टैम्पीड हो सकता है। तो आप लोग जहाँ सकड़ी जगह है ना शोभा यात्रा, तो वहाँ से जल्दी निकालना सकड़ी जगह पे। ये लोग आप लोग सहमत होंगे उसमें, और तो कुछ सारी व्यवस्था हमने कर दी है और अधिक कुछ कहना नहीं है। एडिशनल साहब आप इसको संबोधित करेंगे। नगर परिषद के स्टाफ भी रहेगा, मजिस्ट्रेट को भी डायरेक्शन देंगे, और ऐसे जो साहब लिखित में जो जर्जर बिल्डिंग की सूची देंगे ना, उनको लिखित में पाबंद करेंगे कि आदमी को चढ़ने नहीं दो, ये आपकी जिम्मेदारी है। ये अगर कोई चढ़ गया तो जो ओनर है उसका मकान का छज्जे का ओनर है, उसकी जिम्मेदारी है, क्योंकि सबकी सुरक्षा की जिम्मेदारी उसकी भी है। अगर उसका मकान दुकान जर्जर है, छज्जा है, छज्जे को उसने अलाउ कर दिया तो फिर वो उसी के खिलाफ कार्रवाई होगी। हम ये कार्रवाई कर रहे हैं। सबसे पहले आप सभी लोगों से सुझाव लेना चाहता हूँ कि आप लोगों का इस संदर्भ में कोई सुझाव हो तो आप सबसे पहले सुझाव दे सकते हैं कि हमारा ये सुझाव था कि जैसे भी सत्र ने बताया कि छतों पर जो है रापता लगाया जाए, तो रापता तो लगाया हुआ है लेकिन फिर भी हम नोट डाउन कर लेंगे। आपका क्या कहना है इस संदर्भ में, फिर एक बार आपको तो सभी आपकी तरफ से सुझाव आ जाए तो ज़्यादा रात मेहनत करते हैं दस दिन से। तो अभी एक साहब जो बता रहे हैं कि सगड़े रास्ते हैं, चौड़े रास्ते हैं।
सकरे रास्ते में शोभा यात्रा बिल्कुल नहीं लगती है, बिल्कुल निरंतर चलती रहती है जो मार्केट में आता है। चौड़े यहाँ पर रास्ता है 20 फीट का 40 फीट का, वहाँ पर कर्तव्य जो बाहर अखाड़े वाले आते हैं वो कर्तव्य दिखाई देते हैं और वहाँ पर भीड़ भी काफी संख्या में इकट्ठी होती है। तो मेरा एक तो आपसे निवेदन यह है कि वहाँ पर जो कर्तव्य दिखाए उनको कर्तव्य दिखाने की अनुमति दी जाए, वहाँ पर यही हो कि पुलिस वाले कहने में चलो चलो। एक शोभा यात्रा शोभा विधि विधान से गणेश जी का पूजन हो गया करीब दोपहर 12 बजे लगभग चालू होती है और सायकाल संध्या के समय अपने सारोदा पे पहुंच जाती है कैला देवी मंदिर पे लगभग 7 बजे के लगभग 7 बजे उजाड़ा रहता है, दिन छपने की स्थिति होती है। तो कम से कम मेरा अनुरोध यह है कि 12 बजे से 7 बजे 7 बजे से पहले कोई जल्दीबाजी नहीं की जाए, समय में कटौती नहीं की जाए, कम से कम 7 बजे तक का समय हर हाल में दिया जाए और डीजे की अनुमति दी जाए क्योंकि डीजे में गणेश जी भगवान के भजन बजेंगे गाने बजेंगे, उसमें यह है किसी धर्म विशेष के खिलाफ बजेंगे और डीजे हर जगह यात्रा में बजता है, सब यात्रा में बजता है। अभी तिरंगा यात्रा निकली अभी उसमें हमने आपका सम्मान रखा, यहाँ पे डीजे की यात्रा मना करके डीजे खड़े रहे। तो माननीय मेरा तो आपसे अनुरोध यह है कि डीजे पे कोई अपत्र उसमें नारे वाले कोई करेंगे नहीं और जो भी हमारे कार्यकर्ता है डीजे पे रहेंगे, जो गाने हैं गणेश जी भगवान के वो ही बजेंगे, तो डीजे की भी अनुमति दी जाए, समय भी अधिक दिया जाए और हम पूरा आपका सहयोग करेंगे। ये मेरा उसके बिना तो गणेश जी की यात्रा का कोई महत्व भी नहीं रहता है, तो बिना उसके तो वैसे
कोई नहीं छोड़ना चाहता। आप अपने रिक्शे लगाइए कि हम मेरे लगाए, वो लगाइए अगर
कर्मचारी वहाँ नियुक्त हो और कुछ न कुछ उनको जाने के लिए या इमरजेंसी के लिए अचानक कोई डिलीवरी भी आ सकती है, कोई दुर्घटना भी हो सकती है, तो वो वेरिफिकेशन से हॉस्पिटल पहुँचने के लिए बहुत परेशानी रहेगी। तो मेरे ये दो सुझाव है और मैं आखिर में सभी को मुबारकबाद देता हूँ कि आप प्रेम से प्यार से खूब आराम से निकालिए, हमारा किसी प्रकार का किसी भी देवी देवता से कोई वो नहीं है और खूब आराम से अपनी यात्रा को निकालिए, सकुशल आपकी यात्रा के लिए मैं आपसे यही बोल रहा हूँ। चर्चा करके और आप लोग भी चर्चा कर सकते हो, हम भी करेंगे,
और इसमें जो समाधान होगा वो हम बिल्कुल निश्चित रूप से निकालेंगे। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जितनी अपनी आपका है पूरी तरह से अच्छी तरह से हम निकालेंगे और शांति मुझे साहब जी हमेशा निकल दिया ये जैसे रहे। इसमें आपका जो सहयोग है वो पूरी तरह से अपेक्षित है, ना आपके सहयोग से यात्रा नहीं निकल सकती है, क्योंकि आप एक ही यात्रा है, आप ही को ये काम करना है और आप इसको शांतिपूर्ण तरीके से निकालने जाएंगे। या कानून की बात है, यदि कोई व्यक्ति बदमाशी करता है या कोई आदमी बाहर से आता है उसकी जिम्मेदारी ये है कि आपको जो आइडेंटिफाइड होता है तो आप भी इसके जिम्मेदार हैं। उसके लिए हमने अवगत कराएंगे साहब जी आपको बाहर का लगा है। मैं दोनों समुदाय से इसमें निवेदन करना चाहूँगा यदि उसकी जानकारी भी सरकार पर आदमी आता है तो वो हमें अविलंब सूचना दें। हालांकि हमने इसके लिए सिविल में भी लोग लगाए हुए हैं, काफ़ी अच्छी पर्याप्त मात्रा में हमने सिविल में भी आदमी लगाए हैं। तो इस संदर्भ में क्षेत्र है, मैं समझ सकता हूँ हम जितना कानून हमें अनुमति देता है उस सीमा तक जाकर उसके साथ व्यवहार किया जाएगा। इसमें कोई होता कि नहीं चली जाए, आपकी यात्रा शांतिपूर्ण रूप से निकलेगी। और छोटे मोटे कोई और भी मुद्दे हैं जहाँ तक छोटे आपने मुद्दे उठाए, जैसे आवारा पशु है, आवारा पशु के बारे में पहले ही निर्देश जगह हमने प्रेसिडेंट एडीएम साहब ने भी मीटिंग लेकर अवगत करा दिया जाए। जैसे बिजली की बात है, सड़क की बात है, पानी की बात है, सब एक चीज़ पर हमारे वर्कआउट किया हुआ है, हमने काम किया हुआ है और हम लगातार इसी में काम कर रहे हैं। आप छुट्टी का दिन है फिर भी हम आपके लोगों के साथ इसलिए बैठे हुए हैं ताकि आपके साथ काम कर सकें। डीजे के बारे में आप अलग से अनुमति के लिए आपको बात कर लेंगे, क्या उसमें रहता है, आप इस चीज़ का तनाव नहीं होना है, मुद्दा नहीं है, हमारी तरफ से कोई मुद्दा नहीं है। लेकिन राज्य सरकार जो अनुमति नहीं देगी वो हमारी मजबूरी हो जाएगी। आपकी भावनाओं को जब जरूर हम ऊपर तक पहुँचा कि सब ये चीज़ आ रही है उसका क्या किया जाए, हो सकता है तो उसमें कोई समाधान निकले, निश्चित रूप से समाधान निकले। सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और हम आगे निश्चित रूप से अच्छा मनाएंगे। सम्मान्य प्राथमिक अधिकारी, सम्मान्य सदस्य, जैसा कि सभी को पता है गणेश महोत्सव के साथ साथ गणेश यात्रा और जिस दिन यात्रा विसर्जन होती है उसी दिन जैन समाज का पर्यटन पर्व भी होता है, चौदस होती है। उस दिन 8 दिन से 10 दिन तक लगातार 10 लोग व्रत रखते हैं, उनको कलश देखने जाना होता है। 3 से 4 बजे का टाइम ये मिक्स होता है। पहले भी पूर्व में फवारे के पास एक पासिंग मार्ग रखा गया था 3 फीट के लगभग, उसमें वहाँ से जैसे 15 लोग होते हैं टू व्हीलर से मंदिर तक पहुँच जाए धार्मिक कार्यक्रम कलश पर सबसे महत्वपूर्ण पर्व होता है 14 जैन समाज का। कौन सी तारीख को? इसी दिन होगा 9 तारीख को। कितने सुबह से कितने बजे घूम जाओगे? घूम नहीं, यात्रा नहीं होती है, वो तो लोग जैसे कलश मंदिर में होते हैं सारा। तो पर कुछ दिक्कत है तो वो क्या है, जैसे बुजुर्ग लोग होते हैं 8 दिन के 3 दिन के निराग व्रत रहते हैं बिल्कुल, तो वो उनको जाने में समस्या आती पैदल, तो वो टू व्हीलर से कैसे जाए, सारे रास्ते उधर से बंद इधर से बंद। हमारे के पास पहले भी पूर्व में भी रखा गया 3 फीट का रास्ता, तो वहाँ टू व्हीलर से बैठ कर निकल जाए मंदिर पहुँचे, फिर वो यात्रा निकल जाती है उसके बाद। ठीक है, एक इसमें अपने कोलीपाड़ा में भी स्थापना की गई है, उसमें मैं विशेष रूप से आग्रह करना चाहूँगा कि वहाँ पर लोग शराब वराब का सेवन नहीं करें या आयोजन समिति निश्चित करें। इसके लिए कई बार जो लोग भी चला के प्रॉब्लम कर देते हैं, तो जो आयोजन समिति है ना वहाँ की इस चीज़ को विशेष ध्यान रखें, क्योंकि ऐसा होता नहीं होगा, लेकिन हमारे पास ऐसा फीडबैक आ रहा है तो उसको मैं तो आपको अवगत करा रहा हूँ। बहुत अच्छी पैसा भी एक चक्कर होता है, तो वो उसमें अवगत तो करा दिया गया, उनके पास जितना पैसा उस हिसाब से करवा, जितना बेस्ट वो कर सकते उतना करवाने को। अभी अभी एडिशन साहब ने भी बताया, मैंने भी बताया, और जैसे कि मैंने बताया आपको कि कानून की पालना हमको करनी है, जो अनुमति में टर्म्स और कंडीशन दिए हैं उसकी पालना करनी है। और मैं बात बता दूँ, जो वाहन पर डीजे है वो अभी जो 2 वारदात हुई तो होम मिनिस्ट्री का आदेश जारी हुआ था डीजे वाहन पर लगाने का,
तो उससे प्रतिबंधित है, लेकिन फिर भी एडिशनल एसपी साहब ने कहा कि आपकी भावनाओं को ऊपर पहुंचा देंगे, ठीक है ना। अगर वहां से अनुमति मिलती है वेल एंड गुड है, ठीक है ना। नहीं तो हमको कानून की पालना करनी है और हमको इसका मुद्दा नहीं बढ़ाना है भाई। जैसे लाउड स्पीकर अलाउड है ही, माइक अलाउड है ही। इसके अलावा जो अभी इन्होंने बताई ना, जैसे नॉन वेज की होटल्स को बंद करने के बारे में, वो हम चर्चा कर लेंगे, नोट कर लिया है, ये कार्रवाई है ना। अब जैसे कहा ना कि साहब छत पे तो लोग खड़े होंगे, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि वो छज्जों पे तो खड़ा होना है ही नहीं है। जर्जर बिल्डिंग्स है उस पर तो बिल्कुल अलाउड ही नहीं अंदर घुसेगा ही, आपकी सुरक्षा। लेकिन सुनो, जो छत है ना, छत छत पे भी साहब हर छत की लिमिट रहती है। मैं बता दूँ आपको, आप कहोगे साहब छत पे तो अलाउड है और वहाँ दस 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 का है ना जो वो बियर कर सकती है बटन, आपने अगर 100 आदमी वहाँ चढ़ गए तो वो निश्चित रूप से आप नुकसान हो जाएगा उसमें। वो आप देख लेना उस हिसाब से। हम भी ये चाहेंगे कि कैपेसिटी से ज़्यादा लोग बाग छतों पर नहीं रहे, कारण के ये रूट है ना, जो ये पुराना पुराना शहर है ये, और बिल्डिंगें तो काफ़ी पुरानी है। अगर कोई जर्जर भी नहीं है ना, तो बिल्डिंग तो पुरानी है ही, मैंने कल मौका देखा है। तो आप ये इंश्योर कर लेना कि कैपेसिटी से ज़्यादा लोग बाग नहीं हो। देखिए, रंग में भंग नहीं हो जाए, ठीक है ना। अपन तो ये सबकी सुरक्षा के लिए है, अभी किसी को कुछ नुकसान हो जाए, ठीक है। तो ये सारी बातें हमको ध्यान रखनी है। अभी बताया सबको हमने पाबंद कर दिया है, मतलब पूरे उपखंड में जितने भी प्रशासनिक अधिकारी है सबकी ड्यूटी लगा दी हमने। PWD है, JBBNL है और नगर परिषद है, सारी ड्यूटियां लगाई है और चप्पे चप्पे पर निगरानी रहेगी। आप लोगों को ये भी बता देना कि भाई कोई आदमी बदमाशी करके बचेगा नहीं। दो दो तीन तीन ड्रोन है, 15-20 जो आपके वीडियोग्राफर है, और फिर हमने हमारे ऑफिसर्स को भी कह रखा है कि अगर कोई कुछ अनटुवार्ड इंसिडेंट होती है या कोई बात बदमाशी करता है तो आपके मोबाइल से भी आप है जो उसकी रिकॉर्डिंग कर लें। तो मेरी तो आप लोगों को शुभकामनाएं हैं, अच्छे से मनाओ। गणेश जी मेरे भी आराध्य देव है, सबके आराध्य देव है। सुबह उठते ही है ना, सुबह उठते ही मैं भी गणेश जी की पूजा करता हूँ, और पहले तो बुधवार का व्रत भी रखता था मैं, ठीक है। तो हम तो ये चाहते हैं कि गणेश जी की जो शोभा यात्रा है वो कुशलतापूर्वक हर्षोल्लास के साथ मनाई जाए और सभी खुशी खुशी पूर्वक त्यौहार मनाएं। धन्यवाद। अगर ये पावन नोटिस किए तो सबके साथ ये एक सही बर्ताव होना चाहिए। और भाई आपने एक सामान्य असमंजस की स्थिति को छोड़ दिया है यहाँ पे, कि ऊपर से बात करेंगे तो ऊपर से बात करके आप जवाब देंगे कब? भाई अगर आनंद फानंद में अगर ये स्थिति पैदा हुई कि भाई डीजे बंद होने चाहिए, वो तो क्या है कि व्यवस्था खराब ही होगी उसमें। एक बात हम मैं भी कहना चाहता हूँ, जितनी यात्रा निकलती है चाहे वो केला देवी की हो या गोवर्धन जी की हो या डिग्गी जी की हो, सब में डीजे कंटिन्यू जा रहे हैं। एक दिन अगर सब में जा रहे हैं तो इस यात्रा में भी इजाजत देने मेरे हिसाब से भारत नहीं है। सर मेरा निवेदन ये है कि आप लोग कलेक्टर साहब से SP साहब से चर्चा करके और हो सके तो इस परमिशन दिलाएं। एक दिन में 5-5 यात्रा इसी शहर में से जब गुजर रही है और वो पूरे डीजे के साथ गुजर रही है। एक यात्रा में 2-2 डीजे चल रहे हैं तो वो भी एक यात्रा ही है। सर एक यात्रा चल रही है को आदेश दे दिया, इन्हें आराम से रहना बच्चा है वो डीजे खाने। आप जाओ।
नीचे लगाया था ना वो दीप नहीं चलेगी, वो तो मेरे जन्म से पहले की है। खटरा ने इंश्योरेंस कोई घटना करते हो तो इंश्योरेंस कौन देगा, चलन कौन उठाएगा, अनफिट गाड़ी है। कल बात करेंगे, सही है, गलत कह रहा हूँ, बताओ तो जीप की ना गलत शोभा यात्रा को लेकर प्रशासनिक अधिकारी और सीएमडी के सदस्यों के साथ में मीटिंग चल रही है।